डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बड़ा फैसला लिया है। कैट ने देश के 7 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कैट 7 करोड़ व्यापारियों को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर दुकान खोल कर देगा। इस अभियान को डिजिटल व्यापारी सफल व्यापारी नाम दिया गया है। इस मुहिम के तहत व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और उनके लिए ई कॉमर्स शोरूम बनाकर उन्हें ग्लोबल दुनिया से जोड़ा जाएगा। सभी 7 करोड़ व्यापारियों की दुकान ग्लोबल लिंकर वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। नेक्स्ट जनरेशन है वो ई कॉमर्स के माध्यम से चीजों को खरीदना चाहती है, बेचना चाहती है। इस बात की महत्वता को समझते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये तय किया है कि देश के 7 करोड़ व्यापारियों को हम ई कॉमर्स से जोड़ेंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज दिल्ली से की है। ये पूरा देशव्यापी अभियान चलेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कैट ग्लोबल लिंकर्स की मदद से हर व्यापारी को ई कॉमर्स पोर्टल पर एक लाइव शोरूम बनाकर दिया जाएगा, जहां पर लॉजिस्टिक और लाइव चैट की भी सुविधा होगी। व्यापारी और उपभोक्ता के बीच सामान खरीदने की सरल सुविधा मुहैया होगी। इस पोर्टल को सिंगापुर सरकार के बिजनेस सेंस बॉर्डर प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, जो भारतीय व्यापारियों को विदेशी बाजार भी मुहैया कराएगा। ग्लोबल लिंकर्स पर हर व्यापारी की अपनी दुकान होगी। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा। हमारे फॉर्मेट में हर व्यापारी की अपनी इंडिविजुअल दुकान होगी और केवल उसकी दुकान दिखाई देगी जिसकी दुकान कस्टमर देखना चाहता है, या जो व्यापारी किसी दूसरे की दुकान देखना चाहता है तो उसकी दुकान दिखाई देगी। हमारे यहाँ कोई हमारे पोर्टल पर कोई बहुत सारे नाम नहीं आएंगे कि आप जिस मर्जी को आए चूज कर लें। तो हमारा पोर्टल और वो पोर्टल बिल्कुल डिफरेंट है। हम उसको बिल्कुल हाइपर लोकल मार्केट की तरीके से चलाना चाहते हैं। डिजिटल दुनिया में भारतीय व्यापारियों को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई कॉमर्स की दुनिया में व्यापार करने में काफी मदद मिलेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ घरेलू बाजार भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन राजेश बड़ानिया के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।